जी माशाल्लाह, ये वो मकान है, ये लाइब्रेरी अब इन्होंने बना दी गई है। पहले यहाँ पर हुज़ूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर मुबारक यहाँ पर होता था असली हालत में, तो यहाँ पर अब इन्होंने ये लाइब्रेरी बना दी है। यहाँ पर मेरे आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बाद शहादत हुई थी। और ये आप पहाड़ देख रहे हैं, ये है जबल अबू कुबैस पहाड़, जहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर दुआ मांगी थी और चाँद के यहाँ पर दो टुकड़े हुए थे। यहीं पर हुज़ूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाँद के दो टुकड़े फरमाए थे और यहीं पर हजर अस्वद जो है वो नाजिल हुआ था जन्नत से। तो ये यहाँ पर हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह तआला का घर मुबारक था। और ये साथ ही यहाँ पर अबू जहल जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा था, दुश्मन था, उसका घर था। अब यहाँ पर ये वाशरूम बना दिए गए हैं। तो ये देखिए, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन था उसके यहाँ जिसका घर था, तो वहाँ आज वाशरूम बने हुए हैं। तो जिन्होंने भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफ़ा की, हुज़ूर के आल के साथ, सहाबा के साथ, अल्लाह पाक ने उनको बड़ा मकाम अता फ़रमाया है। अल्लाह पाक हम सब को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल और सहाबा से मोहब्बत नसीब फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।